उसके खिलाफ जो सबसे जुझारू राज्य है झारखंड, जो झारखंड एक खंड भी कॉरपोरेट को देना नहीं चाहता है और जान भी नहीं देंगे जमीन भी नहीं देंगे कहता है, ऐसे राज्य में आप सब लोगों ने एकता के साथ एक संकल्प कृत होकर ये आयोजन किया है। आज यहाँ की संख्या नहीं, यहाँ उपस्थित लोगों की ताकत ये महत्वपूर्ण बात है और मुझे विश्वास है कि पूरे कंट्रोल्स और कंस्ट्रेंट्स के बावजूद, पूरे दबाव और प्रभाव के बावजूद, पूरे हमले और चेतावनियों के बावजूद, पूरे झूठे आरोप और दमनकारी शक्तियां और कार्रवाई के बावजूद, आज हम ये संदेश जरूर देंगे कि हमलावरों होश में आओ, होश में आओ, हमलावरों होश में आओ, ऐसा तो संदेश नहीं जाएगा। भाई मुट्ठी बंद करके जात पात पंथ प्रांत धर्म और लिंग भेद के पार सब लोग एक है, इसका प्रतीक मुट्ठी तो उठाइए और कहिए कि आपका क्या कहना है। हमलावरों होश में आओ, होश में आओ, हमलावरों होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। अभी अभी हुआ पाकुर में स्वामी निवेश, झारखंड भर और देश भर नर्मदा घाटी से दिल्ली तक जहां ऐसी खिलाफत हुई, वहां वहां खिलाफत के समय लोगों ने चेतावनी दी है, पर आदेश में ऊना में मदीन खान से लेकर चेन्नई तक, पहलू खान से लेकर विविध दलितों पर हुए अत्याचारों तक, जैसे ग्वालियर में 2 अप्रैल को हुआ मध्य प्रदेश में, जो भी हमले हुए हैं वो साफ है कि सत्ताधारी दल के नुमाइंदों से हुए हैं और कहीं माफिया या हिंसक जेल में से निकले हुए गुंडों से नहीं हुए हैं। आज देश ये जान रहा है कि देश को, संविधान को कुचलकर विभाजित किया जा रहा है, जाति पाति के मुद्दे पर एट्रोसिटी एक्ट को भी एक प्रकार से कमजोर करके खत्म करने की साजिश रोहित वेमुल्ला से लेकर इस कानून को बदलने की साजिश तक दलितों की एकता उभार ली और उन्होंने झुकाया सरकार को और सरकार झुक गई और उनको वो कानून को बरकरार रखना पड़ा। साथियों, तो लड़ेंगे जीतेंगे यही नारा नहीं है, लड़े हैं जीते हैं, लड़े हैं जीते हैं, लड़े हैं जीते हैं। आज हम देख रहे हैं कि किस हद से हमले हो रहे हैं। हमला केवल इंसानों पर नहीं है, केवल सामाजिक कार्यकर्ताओं पर नहीं है, हमला समाज की एकात्मता पर है, हमला हर संसाधन पर है, जो प्राकृतिक और मनुष्य संसाधन, जो आम जनता का जीविका का आधार है, और हमला संविधान पर ही नहीं मानवीय अधिकार पर, मानवीयता पर भी है। तो साथियों, समाज संसाधन और संविधान बचाने के लिए जरूरी है इस प्रकार की एकता, और इस एकता के द्वारा केवल संदेश भी देकर चुप नहीं होना है, केवल भीख जैसी मांगे रख कर भी नहीं चलने वाला है। हमको ये दिखाना पड़ेगा कि एक एक मुद्दे पर हम लोग उनको झुका सकते हैं। आज हम लोग राज्यपाल महोदया को मिलके आए, झारखंड की पूरी बातें सुनीता बहन आकाश भाई और झारखंड मुख्य प्रतिनिधियों के साथ हमने भी उठाई, और जब स्वामी जी के ऊपर जो हमला हुआ उसके नाम तक दबाव प्रभाव के बावजूद मीडिया ने जाहिर करने के बाद भी जब गिरफ्तारी नहीं होती है तो आम इंसान को कौन सा मांस लेकर चल रहा है या खा रहा है, इसकी जांच भी करे बिना जब
मॉब लिंचिंग यानी कुचल कुचल कर कीड़े मकोड़े के जैसे मारा जाता है, तो ऐसी इंसानियत की खिलाफत ये प्रकार से वादा खिलाफी है। हम जानते हैं कि शहीदों ने जान गवाई है, उसमें मंगल पांडे ही नहीं था, उसमें उमेदुल्ला भी था, और उनके आजादी के सपने आज उस आजादी के सपनों को कुचल कुचल कर खत्म किया है। हम जानते हैं, हमने मुद्दा उठाया जब कि क्यों नहीं गिरफ्तार किया जा रहा है, तो राज्यपाल महोदया बिचारी सत्ताहीन दिखाई दी।